हेलो दोस्तों, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा रात में और डिले ही कर रहा हूँ, सवा 11 मैंने किया है। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ बता दें लिख कर कि आवाज़ आ रही है, फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करें, क्योंकि गांव से ज़्यादा ख़राब नेटवर्क देश की राजधानी दिल्ली में है। और ये मैं लगातार इसलिए कह रहा हूँ कि दो दो तीन तीन नेटवर्क यूज करने के बावजूद ये स्थिति है, तो कई बार मन झल्ला जाता है, आपका भी समय ख़राब होता है, मेरा तो कोई खैर कोई बात नहीं। और अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक दो दोस्त मित्र लिख दें कि आवाज़ आ रही है, आ रही है। थैंक यू करण जी, थैंक यू सो मच। प्रसन्न जी थैंक यू, आलोक जी थैंक यू। सबसे पहले आज दुख की बात है, दुख की घड़ी है कि सुकमा में फिर से जो है हमारे 9 जो हैं सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि एक तरफ हमारे जवान जहां शहीद हुए हैं, वहीं विपक्ष के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी, वो ट्वीट के जरिए राजनीति कर रहे हैं और उनकी मां 18 दलों के साथ डिनर पार्टी कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लेवल्स, इंटरनल सिक्योरिटी डाउन हो रहा है। वो 2010 के दांते बारा, उसी छत्तीसगढ़ में दांते बारा को भूल जा रहे हैं जहां हमारे सीआरपीएफ के 74 जवान मारे गए थे। वो दरबार घाटी जो है वहां भूल जा रहे हैं जहां कांग्रेस के सारे लीडर्स खत्म हुए थे। जवानों की शहादत पर डिनर पार्टी रोकी जा सकती थी, लेकिन ये डिनर पार्टी क्यों इतनी जरूरी थी जिसमें सारे विपक्ष के, आप कहें कि एंटी मोदी गैंग, सोनिया गांधी की लीडरशिप में, आपने देखा था आज हाल फिलहाल आज तक ने और टुडे ग्रुप ने सोनिया गांधी की ब्रांडिंग शुरू की थी अभी हाल फिलहाल, तो वो जो 18 लोगों का गैंग गिरोह है, कुनवा है, जो मौका परस्त है, वो आज जमा हुआ था। और आप लोगों ने नायक फिल्म में देखा होगा कि सारे लोग अमरीश पुरी के साथ जमा होकर चीयर्स करते हैं कि नरेंद्र मोदी को कुचल देंगे, उस समय के हीरो को कुचलने की बात करते हैं, वो उसके लिए ही कि नरेंद्र मोदी सरकार को कुचल देंगे। आज 18 लोग जमा हुए थे सुकमा में हमारे जवानों की शहादत पर, उस 18 दलों ने कोई चर्चा नहीं की। उसके राजकुमार ने इंटरनल सिक्योरिटी पे सवाल उठाया कि डाउन हो रहा है, अर्थात उसके समय सही था, 2010 में 74 जवान हमारे दांतेवाड़ा में शहीद हुए थे, वो राजकुमारी भूल गए। मैं आज दूसरी बात कहूंगा, कल को लेकर टाइम्स नाउ ने वो एक्सपोजर किया है। कल अहमदाबाद के स्पेशल सीबीआई कोर्ट नंबर 2 में डीजी बंजारा ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। डीजी बंजारा ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें उसने कहा, बहुत बड़ी बात कही उसने, डीजी बंजारा ने शपथ पत्र में अपने ऊपर केस जो है उसको लेने की बात की है। ओथ के साथ उसने ये जो दाखिल किया है उसमें उसने बताया है कि किस तरह असंवैधानिक रूप से गुजरात के चुने हुए मुख्यमंत्री को गुप्त तरीके से अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड उठवा लिया गया था, किस तरह से नरेंद्र मोदी को मारने की कोशिश लगातार हुई सोनिया गांधी के द्वारा, वो हम आप हैं, वो लोगों जनता है, वो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है जिसने बचाया, और आज भी जब हमारे जवान मर रहे हैं तो अमरीश पुरी की तरह सोनिया गांधी और 18 लोगों के गैंग चीयर्स कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। आप देखेंगे कि आज जब किसी नेता से सवाल जवाब अगर हो जाता है, चिदंबरम का बेटा अगर गिरफ्तार होता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाती है, हवाला का रैकेटियर कार्ति चिदंबरम गिरफ्तार होता है तो सीबीआई अभी जांच कर ही रही है, उससे पहले ईडी गिरफ्तार न करे हाईकोर्ट एक आदेश दे देता है। आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल किसकी मानहानि करते हैं, जब जांच होता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाती है। आप देखेंगे कि प्रणव राय एनडीटीवी पर जो
काले धन का आरोप है, उसकी जांच होती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाती है। लेकिन गुजरात के चुने हुए मुख्यमंत्री को रातों रात गुप्त तरीके से उठा लिया जाता है, पूरे देश को कानो कान खबर नहीं लगती। गुजरात के वो मुख्यमंत्री आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो प्राइम मिनिस्टर, वो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो चिल्लाने वाले नहीं थे कि मुझे उठा लिया गया उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और इससे भारत के लोकतंत्र को ही आघात पहुंचता, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी कहा था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था पर मैं श्वेत पत्र ले आता तो इस देश में न FDI आता, बैंक की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती, दुनिया का भरोसा भारत के अर्थ जगत में खत्म हो जाता। इसलिए 52 लाख करोड़ NPA होने के बावजूद, मनमोहन सिंह द्वारा झूठ बोले जाने के बावजूद, इस सरकार ने वेट किया कि भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार भर जाए, FDI आ जाए, बैंक मजबूत हो जाए। नोटबंदी के जरिए बैंक को मजबूत किया गया और उसके बाद संसद में कहा गया कि 32 नहीं 82% NPI है। और जो नीरव मोदी का चौकसी का मामला है, वो किसी मीडिया ने नहीं खोला था, जो बेशर्म राहुल गांधी है ना, उसके ग्रुप के मीडिया नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे थे, वो पहले ही लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था कि कार्रवाई होगी क्योंकि 52 लाख करोड़ लूटे गए। लेकिन इसके उस वक्त अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम के रूप में सामने आते और बताते कि एक चीफ मिनिस्टर को उठा लिया गया है, भारत का पूरा लोकतंत्र मजाक बन जाता। और आज वो DG बंजारा के थ्रू सामने आया, क्योंकि DG बंजारा पे इशरत जहां मामले में जो आरोप था, इतना लंबा जेल में बीते गए, वो उन्होंने अपने ऊपर से केस हटाने के लिए CBI अदालत में दरखास्त दी है, जिसमें ये बात सामने आया है। इशरत जहां केस में इस मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट देखेंगे, इस देश में सबसे ज्यादा इनकाउंटर और सबसे ज्यादा मुस्लिमों के इनकाउंटर उन प्रदेशों में हुए हैं जो मुस्लिम परस्त तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू यादव, ममता बनर्जी, लेकिन एक इशरत जहां के लिए गुजरात के चुने हुए मुख्यमंत्री को गुप्त तरीके से उठाकर इंटरोगेट किया गया, घंटों इंटरोगेट किया गया, उनके साथ प्रताड़ना किया गया, प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया और उसके बाद छोड़ा गया। और जिस अधिकारी ने ये टॉर्चर किया, आज से 5 से 6 साल पहले उस अधिकारी का काला चेहरा मेरी इस किताब में मैंने एक्सपोज किया। वो अधिकारी IPS अधिकारी सतीश वर्मा था। सतीश वर्मा, उसका नाम आज DG बंजारा ने लिया है। और आपको आश्चर्य होगा कि गृह मंत्री चिदंबरम ने, मैं चिदंबरम पे धीरे धीरे कभी रोज आऊंगा कभी कभी, हवाला मनी का ब्लैक, भारत के पूरे ब्लैक साम्राज्य का अगर कोई मास्टर की है तो वो चिदंबरम है। 90 के दशक से चिदंबरम ने इस देश को लूटा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को खत्म करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो पैरलर सत्ता खड़ा किया, वो चिदंबरम ने किया था। भारत में पहली बार ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो धंधा शुरू किया था, वो चिदंबरम ने शुरू किया था। और पूरे राजनीतिक बिरादरी में काले धन का के राजनीतिक बिरादरी के काले धन को सफेद करने का जो खेल किया, वो चिदंबरम ने किया था। आपको आश्चर्य होगा कि UPA सरकार में तब के गृह मंत्री ने सतीश वर्मा, जो CBI अधिकारी था, आप जानते हैं, ये मैंने अपनी किताब में लिखा है, DG बंजारा का आज एक रिफरेंस आ गया और इतना बड़ा रिफरेंस है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा लिया गया, गैर कानूनी तरीके से इंट्रोगेट किया गया। आज आपसे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ, एक चिट्ठी भेज दीजिए, लोकतंत्र खतरे में दिख जाएगी आपको। प्रणय राय से, जिसने ICICI बैंक को लूट लिया और उस पैसे से साउथ अफ्रीका में महल खरीदा, आप अगर पूछताछ कर लीजिए, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आज चिदंबरम के काले कारोबारी बेटे को उठा लीजिए, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। देश को लूटने वाले सोनिया और राहुल गांधी जमानत पे हैं तो लोकतंत्र खतरे में है।
लेकिन गुजरात के चुने हुए मुख्यमंत्री को रातों रात उठा लिया जाता है, गुप्त तरीके से इंट्रोगेट करता है। और हाँ, सीबीआई ने अपनी पूछताछ उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा, उस पूरे रिकॉर्ड को बाहर कर दिया गया है ताकि ये सबूत न मिले। आज सीबीआई कोर्ट में जमा किए गए, कल आज मंगलवार है, सोमवार को हलफनामे में, शपथ पत्र में डीसी बंजारा ने जो कहा है, भारत के लोकतंत्र को दहलाने और डराने वाला है। किस तरह से कौन, और आज सुकमा में जब जवान मारे गए हैं, आज फिर उसी नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने के लिए चीयर्स किया जा रहा है सोनिया गांधी के 10 जनपद पे, 18 पार्टी के लोग। वो कालाबाजारी लालू का बेटा, वो समाज कालाबाजारी मुलायम सिंह यादव, वो काले नोटों का, जो फर्जी नोटों का सबसे बड़ा अड्डा मुर्शिदाबाद, और इन सबको चलाने वाली ममता बनर्जी, ये सब एक साथ जमा हुए थे, उनकी पार्टियां एक साथ जमा हुई थी। आज आपको जो बताऊंगा, जिस अधिकारी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को उठाया था गुप्त तरीके से, गुप्त रूप से सीक्रेट इंट्रोगेशन किया था, आप जानते हैं उस अधिकारी को किसके कहने पर यूपीए सरकार ने इस केस की इस तरह जहां केस सौंपा था, किसके कहने पर, आप बताइए। आप लोग, मैं लगातार बता रहा हूं कई सालों से, 2013 से सर फोड़ रहा हूं मैं, बताइए किसके कहने पर कहा गया था, वो मैं अपनी किताब से आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये किताब 2013 में लिखी गई थी, आप सुनिए। लोगों को शायद पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाली कांग्रेस और अमेरिका अरब फंडेड एनजीओ जमात के कहने पर इशरत जहां, आतंकवादी इशरत जहां की मां समीमा कौशर ने केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई के अधिकारी सतीश वर्मा को दिया जाए। एक आतंकवादी, हेडली ने साफ साफ कहा आतंकवादी। 2009 में इसी यूपीए सरकार ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें साफ साफ कहा इशरत जहां आतंकवादी, और इशरत जहां की मां समीमा कौशर के कहने पर सीबीआई अधिकारी सतीश वर्मा को इस केस में लगाया, जिसने गुप्त तरीके से नरेंद्र मोदी को उठा लिया था। एक आतंकवादी यूपीए सरकार को चला रहा था, और आप लोगों ने देखा इसको, जो 1993 के बम धमाके का एक्टिव सक्रिय कॉन्स्पिरेटर साजिश करता है फारूक टकला, उसके लिए पासपोर्ट, कांग्रेस के एक नेता के कहने पर दुबई दूतावास से पासपोर्ट जारी किया जाता है। कांग्रेस दाऊद इब्राहिम से मिली हुई है, ये बात साबित हुआ, लेकिन आपने देखा मीडिया में कहीं चर्चा कितना बड़ा मैनेज है। फारूक टकला जो 1993 के बम ब्लास्ट का आरोप मुख्य कॉन्स्पिरेटर है दाऊद के साथ, 257 लोग मारे गए हैं, उसके लिए यूपीए सरकार, रेड कॉर्नर नोटिस है, उसके लिए यूपीए सरकार पासपोर्ट जारी करती है, और उसी यूपीए सरकार की मालकिन सोनिया गांधी को बैठाकर अरुण पुरी लोकतंत्र की गाथा गाता है। वो कहता है लोकतंत्र आज खतरे में है, लेकिन जब टकला को पासपोर्ट जारी किया जा रहा था तो यह इस अरुण पुरी के मुंह पे टेप चिपका हुआ था, क्योंकि कोयला घोटाले में शामिल आदित्य बिरला ग्रुप का शेयर उस अरुण पुरी की कंपनी में है, क्योंकि आदित्य बिरला ने उस मीडिया हाउस का उपयोग किया अपने कोयला घोटाले के लिए, कोयला खदान लेने के लिए, बनियान और अंडरवियर बेचने वाली कंपनियों को कोयला खदान दिया गया, मीडिया हाउसेस को कोयला, आज जो देश का एक बड़ा हिंदी का अखबार है उसको कोयला खदान दिया गया, 700-800 करोड़ उसके शेयर बढ़ गए। ये लुटेरे लोग हैं बता रहा हूं, और आज जो साबित हुआ वो इतना खतरनाक है। इस किताब में मैंने सब कुछ दिया था, मैं बैक में नहीं जाऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ऑफिशियल है कि आईबी और सीबीआई में लड़ाई पैदा किया चिदंबरम ने, यूपीए सरकार ने, आईबी और सीबीआई सरकार की दो एजेंसी लड़ गई, और सिर्फ इसलिए कि आतंकवादी इशरत जहां की मां चाहती थी कि उसकी बेटी की केस की जांच एक भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा करे, और यूपीए सरकार ने आतंकवादी की मां के मानने पर सतीश वर्मा को अधिकारी लगाया,
आतंकवादी की सुनी जा रही थी, देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं सुना जा रहा। मुझे भी पीड़ा है, आज आप लोग जो कह रहे हैं कि नरेश अग्रवाल को भाजपा ने शामिल किया, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा है। राम हमारे देवी देवताओं का उस आदमी ने अपमान किया है, देश की सेना का उस आदमी ने अपमान किया है, महिलाओं का उस आदमी ने अपमान किया है, मुंह खोलता है तो गोबर उगलता है, लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है? क्या सोनिया गांधी को चुनेंगे आप, जिसने देश बेच दिया, जिसने लोकतंत्र से चुने हुए एक मुख्यमंत्री को मार देना चाहा? क्या राहुल गांधी को चुनेंगे आप, जब डोकलाम हो रहा है तो चाइना के दूतावास में बैठा है? क्या राहुल गांधी को चुनेंगे आप कि सेंट किट्स से का पासपोर्ट धारी जतिन मेहता को वो यहां आने दे, उनकी सरकार यहां आने दे, यहां के पासपोर्ट से वो सेंट किट्स जा रहा है और सेंट किट्स के पासपोर्ट से वो इंडिया आ रहा है? खुलेआम बैंक लूटा जा रहा है, 52 लाख करोड़ लूटा जा रहा है, क्या उसको वोट देंगे आप? आपके पास हमारे पास विकल्प नहीं है, आपको चुनना है बुरा, ज्यादा बुरा। राजनीति सा सुचिता की नहीं होती, कहने की बात है। चाणक्य ने जहर दे दे के लोगों को मारा था, कितने लोगों की लाशें गिराई थी खुद चाणक्य ने। ये उस समय का वक्त है कि जब सुकमा के जवान मारे जा रहे हों और 18 पार्टियां जाम लेकर अट्ठास कर रहा हो, तो हमें जवाब देना होगा, हमें जवाब देना होगा। देश की जनता जो जवाब दे रही है, कांग्रेस और ये बिलबिलाए हुए चूहे इसीलिए बिलबिला रहे हैं, ये जो जितनी पार्टियां हैं। दाऊद को आप देखेंगे, जिस दिन दाऊद पकड़ा गया, आप बताएगा कि दाऊद को बाकायदा प्लेन में बैठाकर उस समय का कांग्रेस मराठा लीडर दुबई ले गया था। ये साबित होगा, आप देखिए इसको, देखेंगे आप। चूंकि अभी सबूत नहीं आया है तो मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन दाऊद अगर आ गया इंडिया में, फारूक टकला जिस तरह से आया है तो आपको पता होगा। आज फारूक टकला आया है तो पता चला आपको कि यूपीए सरकार ने किस तरह से उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था। क्या कभी किसी मीडिया ने बताया? अभी आपको एक बकैत पांडे कहेगा कि हम सत्ता से सवाल पूछना पत्रकारिता है, तो तुम बताओ दलालों कि 10 साल में तुमने कितने सवाल पूछे। आज फारूक टकला जब पूछ रहा है, कह रहा है कि उसका पासपोर्ट यूपीए सरकार ने जारी किया, तो तुमने कितने शो किए? अरुण पुरी बताते क्यों नहीं कि जब तुमने सोनिया गांधी को अपने शो में बुलाया था तो क्यों नहीं पूछा कि आपकी सरकार में दाऊद को कैसे मदद की जा रही थी? क्यों नहीं पूछा तुमने? तुम पत्रकारिता सिखाने आए हो यहां पर, तुम सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस के साथ इस देश को लूटा है, इसलिए मेरा जो सारा आप देखेंगे, जो मैं सारे हमले पत्रकारिता की तरफ इसलिए करता हूं क्योंकि मैं 15 साल रहा हूं और उस दर्द को नजदीक से देखा है और पत्रकारों को एक्सपोज करने के लिए ये किताब मैंने लिखी थी, क्योंकि इसमें वो सारे दस्तावेज दबाए गए थे जो पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिहाज से बाहर आने चाहिए। किस तरह से साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजीव भट्ट ने कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर, एक्टिविस्टों के साथ मिलकर, पत्रकारों के साथ मिलकर गुजरात सरकार के खिलाफ साजिश रची। पत्रकारों के नाम हैं, बकायदा नाम है मेरी किताब में, आपको एक एक पत्रकारों के नाम मिलेंगे। जब लाशें, गड़ी हुई लाशों को उखाड़ के सबूत नष्ट किया जा रहा था, उसमें भी बड़ा बड़ा पत्रकार शामिल था। इसलिए मैं बार बार अवेयर करना चाहता हूं आप लोगों को कि आज आपको ये जानकर अगर रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप लोकतंत्र को सही में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज अगर अरविंद केजरीवाल जैसे बकैत को भी कोई उठाएगा तो मैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़ा होऊंगा, क्योंकि वो चुना हुआ है। चुने हुए मंत्री मुख्यमंत्री को गुप्त तरीके से उठा लिया गया। आज एक शपथ पत्र के जरिए सीबीआई के में कोर्ट में डाले गए शपथ पत्र के जरिए साबित हुआ कि ऑन ऑफ द रिकॉर्ड सेक्रेट इंट्रोगेशन हुआ उनको। आप सोचिए, आज चिदंबरम का बेटा हाथ लहराता हुआ घूम रहा है, सेक्रेट इंट्रोगेशन एक मुख्यमंत्री का जिसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। ये सोनिया गांधी फिर से आएगी, चाहे इसके लिए कितनी कुर्बानियां देना पड़े। सोनिया और इसके चमचे अगर देश में आ गए, आप तय मानिए हमारे आपके बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ये देश को
बेचने वाले लोग हैं, ये दलाल लोग हैं, ये अरुणपुरी दलाल लोग हैं, ये एनडीटीवी और पन्नावड़ा दलाल है। इन लोगों ने देश को बर्बाद किया है। आज ये लोग, मनमोहन सिंह अगर आधार कार्ड लाए तो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी आधार कार्ड को लागू कर जाए तो सुप्रीम कोर्ट में रोकने के लिए लोग जाते हैं। क्यों, आखिर क्यों? ये विनोद दुआ को 2008 में पद्मश्री किस लिए मिला? उस समय वो क्या रिपोर्ट करता था? वो खाता रहता था गुब्बारे की तरह, खाने के लिए पद्मश्री दिए जा रहे थे। आपको आज एक और आज सीक्रेट बताता हूं, ये जो कुमार केतकर को मिला है, इस बार राज्यसभा किसी पत्रकार ने सवाल पूछे, आप जानते हैं कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को बोलने की ट्रेनिंग देने वाले जो बड़े पत्रकार हैं उसमें कुमार केतकर शामिल है। सीक्रेट रूप से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस अपनी प्रवक्ता नहीं भेजती लेकिन अपने जो है तहसीन पूनावाला, किसी वो दुष्यंत, इस तरह के लोगों को, नागर, इन सब के लिए पत्रकारों से पूरा पूरा वर्कशॉप किया जाता है, दो दो तीन तीन दिन का। और वो वर्कशॉप कौन लोग देते हैं? ये दलाल पत्रकार। कुमार केतकर उसमें से जाते हैं, राजदीप जाते हैं, ये वो लोग जाते हैं। इसलिए आज आप जब सोएंगे, मैं वो पूरे केस नहीं खोलूंगा क्योंकि मैंने बार बार अपनी किताबों का जिक्र दिया है, धीरे धीरे कभी होगा, लेकिन इसरत जहां को, जिसको हेडली ने, अमेरिका ने, सबने आतंकवादी माना, उस इसरत जहां के लिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गुप्त रूप से उठा लेना, अगर ये बात आपके रोंगटे नहीं खड़े करती, शरीर में झुरझुरी पैदा नहीं करती, तो आप लोकतंत्र में नहीं जिएंगे। हमारे आपके बच्चे फिर लोकतंत्र के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आज भी जब कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी को तानाशाही लगाना चालू करना चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र है तो हम आप बोल रहे हैं, हमें लोकतंत्र के तरीके से ही जवाब देना है। सोनिया, राहुल गांधी और इन देशद्रोही पत्रकारों और पॉलिटिकल पार्टी के जमातों को लोकतंत्र के जरिए ही हिंद महासागर में डाल देना है, यही हमारा प्रण होना चाहिए। आज मुझे गुस्सा आया क्योंकि चुने हुए एक मुख्यमंत्री को रातों रात उठाया गया, घंटों इंट्रोगेट किया गया उसको, उसने नहीं बताया, लेकिन आज सीबीआई कोर्ट के जरिए हमें पता चल रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को और वर्तमान प्रधानमंत्री को सीबीआई ने रातों रात उठाकर घंटों इंट्रोगेट किया और प्रताड़ित किया। ये हमारे लोकतंत्र के लिए धब्बा है, और जिन लोगों ने ये किया उन लोगों के चेहरे को पहचानिए, वो सोनिया गांधी है, वो राहुल गांधी है, वो लालू यादव है, वो राजदीप सरदेसाई है, वो अरुणपुरी है, वो प्रणव राय है, वो बकैत पांडे है, वो चिदम्बरम है, वो दिग्विजय सिंह है। आप हर उस चेहरे को पहचानिए और उन चेहरे के रिजेक्शन के लिए सोशल मीडिया से सड़क तक अगर आंदोलन करना होगा करेंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। जहर पी रहे हैं, नरेश अग्रवाल वाला पीना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूं नरेश अग्रवाल को लेकर भी, लेकिन फिलहाल मैं उन लोगों को मौका नहीं दे सकता जो लोकतंत्र को कुचलते हैं अपनी राजशाही के लिए, अपनी सत्ता चलाने के लिए। हम, मुझे नरेंद्र मोदी मंजूर हैं क्योंकि वो देश में परिवर्तन ला रहे हैं। मुझे सोनिया एंड पार्टी नहीं मंजूर है क्योंकि वो देश के लोकतंत्र को कुचल रही है। वो सिर्फ चंद दलालों, चंद मीडिया कर्मी दलालों के जरिए वो पूरे देश को हांकना चाहते हैं। हम नहीं हांकने देंगे। हम एक जीवित कौम है, और जो कौम आवाज उठाना नहीं जानती, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, उसके होने का कोई मतलब नहीं है। हमें आवाज उठाना होगा, हमें इस गांधी परिवार को पॉलिटिकली, लोकतांत्रिक तरीके से, चुनाव के रास्ते चार सीट पे समेटना होगा। ये हमें प्रण लेना ही होगा, चाहे आप नरेश का जहर पीजिए, चाहे आप किसी का जहर पीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।